वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो हमारे चेहरे की खुशी देख के आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग जा रहे हैं घूमने। ये हैं मेरे पापा। पापा वैसे हमारे साथ बहुत कम ट्रिप पे जाते हैं। बड़ा भाई कहाँ? तू बड़ा भाई है? अंशु, मैं, पापा, गुन्नू, मम्मी, मम्मी टॉर्च मार, मम्मी दिखने की, मोना, ओए लाल बत्ती। भाई हम कैसे जाएंगे? जगह जगह लाल बत्ती होगी, लाल टी शर्ट पहनी आ रही। सो हम पूरी फैमिली जा रहे हैं घूमने और अब हम आप लोगों को सीधा पहुंच के बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। और हम बहुत खुश हैं, नोना जा रही है और मैं पूरा टाइम सोई नहीं हूँ। मेरी आंखें देखो मैंने क्या कर ली, क्योंकि हम बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं। मतलब ऐसे फैमिली ट्रिप पे ना काफी टाइम बाद जा रही हूँ। मतलब फैमिली ट्रिप मतलब फैमिली फैमिली ओनली ना, तो इसलिए। सो अब हम लोग जा रहे हैं और अब आपको आगे दिखाते हैं। जी हमारी फैमिली की नहीं है तो ऐसे ही लाए थे तो हारे के सहारे की जय। तो गाइस यहाँ से आते ही ना वैसे मैं खाटू श्याम जाऊंगी, क्योंकि मैंने खाटू श्याम का सोच रखा आते ही नहीं। बच्ची बनो ना। ओए चुप, आते ही नहीं मतलब थोड़ा टाइम रुक के मैंने सोच रखा है उनको जाना है। बग्गी बग्गी सुन रहे, मतलब कमर कमर पे कौन ही मार देगी। बक्खी 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 में पंजाबी में बोलते हैं ना कमर को बक्खी। तो गाइस आते ही फिर हम जाएंगे खाटू श्याम, क्योंकि मेरा बहुत मन है जाने का। काफी टाइम से मैं गई नहीं हूँ, पर अभी हम पहाड़ों में जा रहे हैं। गाड़ी चलाते चलाते थक गया था, बहुत देर हो गई थी चलाते चलाते, तो अब दूसरा ड्राइवर चला रहा है। चलो बेटा जो गाड़ी चलाता है उस टाइम पे गाड़ी उसी की हो जाती है। अब कह रही मामा की गाड़ी चलाती हूँ। अब पुनीत क्या करेगा? पुनीत पीछे बैठेगा है? गाड़ी तो आप चलाओगे पूरे रास्ते? क्या बैठ जाएगा ना नोना की सीट पे। तो गाइस अब आप देख सकते हो हम बहुत ज्यादा हैवी ड्राइवर लेके जा रहे हैं, जिसके पैर भी नीचे। पापा की परी। गाइस मैंने तो सीखी नहीं गाड़ी, पर नोना के बड़े होते ही सिखा दूंगी। इसके पैर नीचे पहुंचे सही, स्कूल लाइफ में ही सिखा दूंगी। पापा की परी है ना, मैंने इसे स्कूल लाइफ में सिखा देंगे। हम तो सीख नहीं पाए। गाड़ी सिखाने को तब भी कह रही थी पहले इसे धींगड़ी को सिखा लो। मुझे सिखवाओ ना भाई। तू तू रहने दे, तुझे तो मना ही कर रहे थे जीजू। पता बोल रहे थे कि फिर ये लेके उड़ जाकर आज यहाँ जाऊँ आज वहाँ जाऊँ। गए थे बीच में एक रेस्टोरेंट पे, बिकॉज एवे पैर थक गए थे बैठे बैठे यार। और मेरा पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, पर मेरे को आना था फिर भी, तो मैं आ गई। घर वाले बोल रहे थे अगर रहना है तो रह जा, पर मैं मानी नहीं। तो बैठे खाने के लिए गाने चल रहे हैं पुराने ज़माने के, बहुत बढ़िया तो अच्छे हैं। और मम्मी आ गई, वो रही गुन्नू बैठी वहाँ। तो चलो मिलते हैं आप थोड़ी देर में, गाने चले भाग बोलते हैं। हम रुके थे ये वाले होटल पे और यहाँ पर है बड़ा प्यारा सा व्यू। बारिश हो रही है और बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई है मैंने ये वाले ग्राउंड बैकग्राउंड में सॉरी। और ये रही चीती, चीती नींद में है पूरी, आप देख सकते हैं। और अंशु और पुनीत गए हैं वहाँ पर, भाई इन्हें दिख गई वाइन शॉप, तो ये वहाँ पर गए हैं हुक्के हुक्के का सामान पता करने। ये पल अपना हो रहा है इनका मामला सेट। हाँ मगर आज ही हो रहे हैं बेचारे, पी तो सकते हैं ना दारू, देख देख के खुश हो रहे हैं। और देख अपनी वीडियो बनाने के लिए लोकेशन देख रहे हैं कहाँ बनाए वीडियो। अंशु हमारा कितना लंबा हो गया यार। और मैं हाँ वेट कर रही हूँ कि आए और मैं रील बनाए। ओ अपनी बनवा रहा पुनीत, इन्फ्लुएंसर सर, सर बिग फैन, बिग फैन, हाय कर दो। मुझे लगता है मेरा भाई ऐसा है कि सुबह के 5:17 पे चिली पटेटो खा सकता है। लेकिन बात सुन, अगर तूने खा लिया तो तू भी खाने मजबूर हो जाएगी। मजबूर हो जाऊंगी ऐसा क्या है? गाइस हनी चिली पटेटो बहुत टेस्टी है इस होटल के। लॉन्च के सोते सोते ना मैं, हाँ मेरे तो वैसे भी फेवरेट है मुझे तो लॉन्च के। और ये है हनी लॉन्च जैसे चिली पटेटो, गाइस कोई बना ही नहीं सकता। ये तो बात है, लॉन्च जब जाओ ना, जैसे लॉन्च वन जाओ तो वहाँ पे जो मन अच्छा होता है, क्रिस्पी अच्छे लगते हैं, मतलब किसी भी लॉन्च में मतलब बड़े टेस्टी होते हैं। पता नहीं 5 बजे में चिली पटेटो या फिर हमने अपना दिमाग में बिठा रहे हैं, ये नहीं कहा बस इतना से दुकान पे नहीं। 5 बजे वैसे मैं भी खा सकती हूँ पूरा प्लेटर साउथ इंडियन मंगा के, क्योंकि साउथ इंडियन अगर आपको ना पता हो मेरा बहुत फेवरेट है इडली डोसा। ये नहीं ये नहीं, ये मम्मी खाती है। सो चलो खा के फिर निकल गए हैं वहाँ रेस्टोरेंट से जो हमने चटपट खाया रेस्टोरेंट से। अबे इतना खा लिया तूने, फटराया। और ये देखो कैसे बैठे हैं, ये चली गई आगे और पुनीत ना गाड़ी चला रहा। और ये इतना खाया तो फट रहा है। हाँ तुमने इतना ही खाया है पापा? और ये देखो ये लग गई चिची बिची खाने। पहुँच के गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं आप सब? हमारी गुड मॉर्निंग मतलब गाड़ी में ही हुई है सोते सोते जगते जगते। कितना टाइम हो रहा है?
7:30 हो रहे हैं गाइस, इसने तो चेंज वेंज कर लिया, अपने शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहन लिए क्योंकि ये नहाएगा और पानी का ना फ्लो बहुत तेज़ है और भीड़ वैसे कम है ना। पानी का फ्लो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, ये देखो मतलब ना फ़ोन में नहीं इतना दिख रहा होगा, सामने से बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और नहीं यार कम भीड़ कहाँ है, ठीक ठाक भीड़ है, ये देखो भीड़ है बढ़िया भाई, कम कहाँ है भीड़ है ज़्यादा, पूरी रात से सोए नहीं हम लोग, बाकी लोग आ रहे हैं पीछे, वो रहे नोना पुनीत पापा मम्मी बिल्ली। सो गाइस अब आपको बाकी चीज़ दिखाऊंगी बाद में, और नोना आओ आओ चलो आप नहाओगे, ये पहले ही डर जाएगी गाइस मुझे पता है इसका, मैं नहीं नहाऊंगा, आपको नहाना पड़ेगा बेटा, हम लोग आ गए हैं गंगा जी में दर्शन करके, मतलब हरिद्वार के दर्शन करके, अंशु और पुनीत नहाए, अंशु और पुनीत नहाए हैं गाइस पानी में, दोनों ठंडे हो रहे हैं बिल्कुल, इतना ठंडा पानी था, हम लोगों ने सब मुँह हाथ धोए क्योंकि हम ऐसे नहाने के पर्पज से कपड़े नहीं लेके गए थे, और भीड़ बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे मम्मी लगा रही है नोना के लिए ब्रेड बटर क्योंकि उसे भूख लग गई है, और अभी बज रहे सुबह के 8:15, तो अब हम निकल रहे हैं आगे के लिए, हरिद्वार हमारा हो गया, अब आप समझ गए होंगे हम लोग ऋषिकेश जा रहे हैं गाइस, सिर्फ पुनीत और मैं ही नहाए, हमें हिम्मत थी, बता दिया मैंने, अभी मिलेगा तो मेरी हो गई है ऐसे ही देखना, और बहुत ठंडा पानी था बहुत, आ गए हम जन्नत, देखो पूल कितनी ओके जगह है, देखो व्यू देखो यार क्या मस्त है, क्या ओके है। तो गाइस जैसे कि इसने बताया हम फाइनली पहुंच गए हैं, और व्यू आपने देख ही लिया होगा यहाँ का, और अभी हमारा चेक इन होगा, अभी हुआ नहीं है चेक इन क्योंकि अभी ना टाइम है, ये वेटिंग हॉल है, तो मतलब वहाँ पे हमारा लगेज वगैरह उतर रहा है अभी, और फिर आपको दिखाएंगे अपना रूम वगैरह सब, अभी तो नहीं दिखा रही, अभी इसने नहीं दिखा रही क्योंकि अभी हमने नहीं देखा, मतलब फोटोज में दिखा था, तो डन हो जाए। सो गाइस ये जो होटल ना जहाँ हमने स्टे करा है नामिक्स का, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, तो ये जो होटल है ना यार ये 7th फ्लोर तक, और अभी हम जिस फ्लोर पे बैठे हुए थे ना, आई गेस ना मुझे लग रहा था कि 1st फ्लोर है, पर वो 3rd फ्लोर था जिस पे हम बैठे हुए थे, नीचे से आपको व्यू दिखाया, तो वो 3rd फ्लोर था, अभी हम 5th फ्लोर पे हैं और ये 7th फ्लोर तक बना हुआ है, सो अभी हम जा रहे हैं हमारा रूम देखने, यहाँ पे ऐसे से रूम जा, और इसको देखो नोना ये तो इतने इन्जॉय मूड में है, मतलब इसका तो फुल ऑन चिल मूड है, इतना उछल कूद पूरी रात से सोई नहीं है, और अभी भी इसका कोई सोने का प्लान है नहीं, और मेरे पैर की पट्टी खोल ली थी मैंने क्योंकि मैं वहाँ गई थी ना हरिद्वार में गंगा जी में, तो इसलिए पट्टी उतार दी थी मैंने क्योंकि फिर गीली हो जाती है। अब आपको रूम दिखाते हैं यार कहाँ है कौन से कौन है, इतना चले जा रहे हैं, और देखो जाओ चलो अंदर एंट्री करो, तो हमारा सामान भर दिया, तू बोलती थी मैं बना रही हूँ, तो ये हमारा वो सामान है गीले कपड़े, वो ये छोटा सा वॉशरूम है एक्स्ट्रा, ये मिनी किचन, फ्रिज वगैरह सब कुछ, मिनी डाइनिंग, एक रूम ये रहा वॉशरूम अलमीरा, एक रूम ये रहा एक मिरर ये रहा, एंड ये वॉशरूम, तो नाइस रूम ना गाइस, और ये टीवी हो गया, तू कहाँ से निकली, और ये है हमारी पर्सनल बालकनी, हम तो बोल कहाँ से आ गई तुम यहाँ से, सो ये सिर्फ पर्सनल है जिनका ये रूम है उनका, मतलब जैसे हमारा, तो यहाँ पे हम रील वील बना सकते हैं प्रॉपर, और तो रूम कैसा लगा आप लोगों को, मुझे तो बहुत अच्छा लगा बहुत, जैसे कहते हैं ना, ठीक है चलो आप बताना कमेंट में आपको कैसा लगा रूम। अब हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, उसके बाद दोनों सिस्टर्स होंगे रेडी, और यार सेम ये मम्मी नहीं बनाया रूम में, तो गाइस ब्रेकफास्ट करके फिर आप लोगों से मिलते हैं, गाइस हम दोनों सिस्टर्स हो गई हैं नहा के रेडी, और इसमें मेरा थोड़ा सा पेट दिख रहा है, पर कोई नहीं यार अब मोटे लोग के ड्रेसेस नहीं पहन सकते, सो मैंने पहनी है ये वाली ड्रेस,
आप देख सकते हैं ये जो आजकल बहुत चल रही हैं। और मुझे तो गुस्सा आ रहा है कि तुम लोगों ने शूट वगैरह। सो गाइज अब मैं आपको बता देती हूँ, मेरे पास आ रहे हैं कंटिन्यूसली, पकड़ियो डीएम कीजिए आप कहाँ गए हो कहाँ गए। तो गाइज हम आए हैं अलोहा, अलोहा रिजॉर्ट्स है यहाँ पर, और इनकी फैसिलिटीज़ मैं आपको बता दूँ। रूम मैंने जैसे कि आप सबको दिखाई दिया था, तो ये है गाइज सुपर डीलक्स लग्जरी रूम जिसमें आपको फूड वगैरह सब इंक्लूड होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन आप जैसे भी ऑर्डर कर सकते हो। मैं अगर देखो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ अभी। सो अगर आपको भी यहाँ पर आना है तो मैं इनका इंस्टाग्राम का लिंक, इनका कॉन्टैक्ट नंबर डाल देती हूँ अपने डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे रिजॉर्ट्स हैं इनके, ये जो जिसमें हम स्टे कर रहे हैं ना, ये तो जस्ट वाह है यार। मतलब रूम्स तो आपने देख ही लिए, और अब मैं बाहर जा रही हूँ, बाहर का व्यू भी आपको दिखाती हूँ कि कैसा है क्या है। सो चलो आगे मिलते हैं आपसे। बाकी अब एक सेकेंड, बाकी कोई डिटेल्स चाहिए हो तो इनका इंस्टाग्राम पेज, इनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डाल रही हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग वहाँ से जाकर चेकआउट कर सकते हो। होके भी आ गई, एक दो अपनी रील्स भी बना के आ गई, तो मैंने आपको दिखाने भूल गई नीचे का व्यू वगैरह, पर अब मैं चेंज करके फिर से जा रही हूँ तो फिर दिखा दूँगी आपको, कोई बात नहीं। मैं बुलाकर थोड़ी ज़्यादा हूँ अब, बताया मैं खुद से रील्स शूट कर रही हूँ इधर ऊपर, क्योंकि बताऊँ क्यों, गुन्नू अंशु को तीनों नीचे गए हैं पूल का पानी देखने, ठंडा है कि नहीं। और मैंने इससे पहले वाइट ड्रेस पहना था ना, तो वो तो मैंने चेंज कर लिया अब, फिर तो मुझे बार बार चेयर लेके जानी पड़ती है अपनी रील्स के लिए खुद से। पापा मेरी रील बना तो रहे हैं, पर पापा ना मेरी तरह की बना नहीं पा रहे। क्या यार पापा को कैमरा ग्राफी सिखाने, अब मैं यहाँ पे रख के बनाऊँगी खुद से। आपको कैसा लग रहा है घूमने के आके, घूम के आते नहीं है। सो चलो मैं अपनी रील्स बनाती हूँ यहीं पर। फिर अब हम आ गए हैं पूल में अपने आउटफिट्स वगैरह चेंज करके, और नोना को देख लो पूरे मजे ले रही है, नोना को भी निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। पापा मम्मी मैं तो आना चाह रही हूँ, पर ये अपनी रील्स बनवाई जा रही है, मेरी बना रही है इसलिए नहीं जा रही मैं। सो गाइस ये ना जो पूल की लोकेशन है यार, जस्ट वाओ ऐसा लग रहा है कि बाहर की लोकेशन है कहीं की, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो ये है अलोहा होटल, अलोहा अपार्टमेंट। हाँ अपार्टमेंट, कोई बात नहीं जाएगा। तो देखो बच्चों प्रेरणा को लगता है डर, और कशिश उसे वहाँ तक छोड़ा ही है, और वो अकेले वहाँ पे खड़ी है, और बहुत ही अच्छा व्यू है ये, आप देख सकते हो नीचे गंगा जी जो है, पूरे बादल नीचे आए हुए दिखाई नहीं दे रहा, और ये ऊपर का व्यू आप देखो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा वेदर हुआ हुआ है। और ये बच्चे बहुत दिन से बहुत परेशान थे, और बहुत ही सुंदर अपार्टमेंट है, होटल एंड अपार्टमेंट है, और हर तरह से इसके व्यूज़ अलग अलग ही आते हैं, गार्डन व्यू, माउंटेन व्यू, एंड देख सकते हो ये सुंदरियाँ। ओ मेरी वीडियो बना दे। देखो प्रेरणा ने बालों में फूल भी लगाया है, बना चल। अरे वाह कितनी खूबसूरत लग रही है ये, कशिश तो एंजॉय कर रही है देखो बहुत ही। नोना छोटे पूल में अपने पापा के साथ, मैं फाइनली यार मेरे तो काजल भी बह गया वहाँ एंड तक होके आ गई वो गुन्नू, और यार वेदर देखना यार भाई बहुत कैड़ा हो रहा है, बहुत कैड़ा बढ़िया एकदम। और अभी हम फिर जाते हैं, चलो वहाँ एंड पे चलते हैं और फिर आपको दिखाएंगे वहाँ की लोकेशन, क्योंकि एक बार मैं चली गई ना तो मेरा डर सा निकल गया, और ठंड हो रही है यार, ऊपर से बारिश हो रही है नीचे स्विमिंग पूल में, तो अच्छा हो रहा है। वो देखो वो रही कशिश उधर, और नोना और पापा वो रहे पीछे, पापा नोना में लगे हुए उसको लेके छोटे वाले मिनी पूल में। अब ठीक है मैं सो गाइस बोलती हूँ, बोलता है सो गाइस की बोल रही है। सो गाइस अब हमने नहा लिया है तो गाइस कपड़े कपड़े चेंज कर लिए, दोनों ने सेम पहना है, इसने ये और मैंने ये, और अब इसके बाद यहाँ पे हम पी रहे चाय, मम्मी ने बनाई है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे किचन भी है हमारे रूम में यार। मतलब रिजॉर्ट बहुत बढ़िया है, बहुत मज़ा आ रहा है मम्मी। बारिश की वजह से ना मैं अभी आपको पूरा दिखा नहीं पा रही, क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे अभी करने के लिए जो अभी हमने करी नहीं है। मतलब यार बहुत अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, वेज वाला अलग, नॉन वेज वाला अलग, बहुत सारी चीज़, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। पर अभी मैं गए हैं दूसरा हथियार, आप देख सकते हैं दोनों आउटफिट हमारी सेम है, बस इसकी ब्लैक है मेरी पिंक है, और कहा है मेरे बेटे को उठाइए एक बार, इसको फोन पकड़ी मैं उठाती हूँ। आजा मेरे चीते, ये है मेरा, अरे गुनू क्या दिखा रही, मुंडी कहाँ है। सो गाइस ये है मेरा शेर, तो अब हम जा रहे हैं इसके लिए बेबी गेमिंग जोन में, मम्मी के बाल है ठीक है, आपको नहीं पता है मम्मी के बाल। और नोना किसकी शक्ल पे है, मम्मी इसको सब पता है, मामा दीदी मम्मी दीदी मम्मी, मैं दीदी बोली हूँ रिश्ते में नहीं मामा मम्मी हूँ,
एक मिनट में कॉल आ गई मेरी माँ के और मेरे हम सारे बाकी के बच्चे में। चलो अब चलते हैं नीचे, आपको दिखाएंगे। हम आ गए हैं अब किड जोन में जो सेकंड फ्लोर पे है। यहाँ पे मतलब काफ़ी सारी गेम है, ये पूल वूल कहते हैं इनको, और एक दो गेम और बड़ों की भी बच्चों की भी। अच्छा स्पेस बना रखा है, ये बाहर भी स्पेस है बट अभी बारिश हो रही है, आपको दिख रहा होगा। चढ़ के स्लिप करो उस पे से ना, स्लाइडर पे जाओ ना पहले, स्लाइडर पे वो इस पे नहीं, फिर उस वाले पे बैठो, देखो वो उधर जाओ। पापा एक बार इसे स्लाइड करा दो, ये समझ जाएगी फिर, एक बार इसे स्लाइड करा दो ये समझ जाएगी। दोनों सुनो, अम्मा है हमारी भी, छोड़ दो कर लेंगे वो ऐ भी है, उसे उल्टी सी चीज चाहिए। कितना आ गया भाई, चार ही आया। तो गाइस आप देख सकते हैं हम यहाँ पे लूडो खेल रहे हैं, और यहाँ पे भी हमने 200 की लगा ली है। 200 की है, हाँ। है भाई, पता नहीं भाई कितने की है। ओ, 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 सब बोले 200 रुपए की, वरना मत खेल, उड़ जाए यहाँ से। 200 की, गाइस 200 की खेल रहे, देखो कौन जीतता है लूडो आया क्या भाई। तो गाइस इसे जो चाहिए होते हैं सारे ऐप मिल गए इसे यहाँ। बाय, क्या आप झूल लो ना, मैं देख रही हूँ आपको। और बाहर गाइस आरती होना स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे शाम को गंगा वो आरती होती है तो वो हो रही है। गंगा को अपना झूले वूले झुला के हम लोग चले गए थे वापस रूम में, समझ गए होगे क्यों, क्योंकि हमें आ गई थी नींद यार ज़्यादा ना, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे क्योंकि मेरे थकानी नहीं उधर की देरी, और नींद आ गई थी। फिर हम आ गए बाहर थोड़ा सा कैफ़े वैफे देखने, यहाँ पे जिस एरिया में हम रुके हुए हैं अच्छी लोकेशन है, फिर कैफे वैफे देखने आए। फिर हमने कहा कुछ अच्छा सा खाने का, कुछ खाने को भी ले लेते हैं, स्टार्टर स्नैक्स वगैरह जो मन कर रहा था, तो फिर वो सब हमने यहाँ पैक करा लिए पड़ा हुआ खाने का। और ये देखो दोनों और अंशु और पुनीत को लेना था थोड़ा सा, अपने ओके का सामान इन्होंने वो लिया, और ये नोना और गुन्नू देखो कैसे हो गया क्योंकि ना सब सब पक्की नींद में है, और अब हम वापस जा रहे हैं अपने इस पे अपार्टमेंट में। तो चलते हैं फिर आपको दिखाते हैं आगे हम क्या। खाना पीना हो गया था, घर आके हमने खाना वाना खाया, उसके बाद ये लगा के बैठ गया हुक्का, और पापा सो गए हैं। इस मारे गाड़ी में रख के लेके आया था वो, वहाँ फ़ोन चला रही है, पुनीत वॉशरूम में गया हुआ है, और पुनीत और यही पियेंगे हुक्का, और पापा जग रहे होते तो ये भी ना चल रहा होता। और मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है, ये यहाँ फ़ोन में लग रही है अपनी वीडियो एडिट कर रही है, बुरी तो नहीं देख, मजे मार रहा है, सो रही है इसकी कुत्ते, इन कर्मों को ही करियो। सो गाइस चलो मैं तो अंदर जा रही हूँ सोने नहीं, मैं तो कपड़े चेंज करूँगा, अभी कहाँ नींद आ रही है, तो 10:30 ही हुआ है, मम्मा यहाँ लेट ही बनी है ये जी। सो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे अब ये क्या हो रहा है, सो गाइस मैं आपको बता देती हूँ, टाइम हो रहा है रात के 2:05, सब सो गए थे, मैं उठ गई फिर क्योंकि मैं जल्दी सो गई थी 12:30 के आसपास, और पिल्लू भी जल्दी उठ गया, तो अब हमें लग गई थी भूख, तो हमने मम्मी से कुछ खाने को बनवाया, मैगी ब्रेड टोस्ट वगैरह सब कुछ, तो अब हम खा रहे हैं, मतलब यही हो रहा है यहाँ पे, खा रहे हैं सो रहे उठ रहे हैं, खा रहे सो रहे उठ रहे हैं। और बाहर बहुत ठंडा मौसम हो रहा है, बहुत बढ़िया यार, दिल्ली में जितनी गर्मी है ऋषिकेश में बिल्कुल भी नहीं है यार, बढ़िया मौसम है यहाँ का। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब, होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस सब लोग उठ गए हैं, मैं जल्दी उठ जाती हूँ ऐसे, गाइस पापा धक्के मार मार के उठा रहे हैं हमें जब उठे हम, तो देख सकते हो आप, क्योंकि यार बाहर आके भी ना सोने का मन बहुत करता है, और हमारे घर के यार सोने को बिल्कुल देते ही नहीं है यार, ना घर हो ना बाहर हो, अंदर मैं बोल नहीं पा रही थी ये बात इसलिए बाहर आके बोला, वरना मारती और मम्मी। और मॉर्निंग दिखाऊं कैसी हो रही है, बढ़िया कितनी, वो देखो वहाँ पे आपको वो दिख रहा है ये पानी, मतलब अच्छे से दिख रहा होगा फ़ोन में, वरना मुझे यहाँ पे ना सामने से यहाँ पे ऐसे दिख रहा है धुआं, दिखाती हूँ आपको मौसम में। और एक बार ध्यान से सुनो, देखो चीची आवाज आ रही है ना, ये अपने उधर नहीं आती,
जाती हूँ कि यार लोगों ने पेड़ इतने काट दिया है, और यहाँ पे मौसम पता है ठंडा क्यों है, दिल्ली में इतनी गर्मी क्यों है, क्योंकि हमारे उधर पेड़ ही नहीं है और पक्षियों की आवाज़ भी नहीं आती। यहाँ पे देखो कितनी अच्छी आती है, ये देखो ऐसे दिख रहा होगा ना आपको, ये देखो चलो इसी के साथ मैं करती हूँ वाले ब्लॉग का एंड। अब आपसे मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, आप लोग बताना आपको लोकेशन कैसी लगी, मतलब मुझे तो टोटली यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी लगी। और ब्लॉग एंड करने से पहले यार कुछ चीज़ मैं कहना चाहूँगी, वैसे मैं कहना नहीं चाह रही थी बट यार कमेंट्स ना कभी कभी मजबूर कर देते हैं आदमी को कहने पर, तो मैंने सोचा चलो कह देती हूँ, लोगों का वहम दूर कर देती हूँ। सो गाइस मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि अपना घूमना फिरना, अपना पहनना ओढ़ना, अपनी हर चीज़ दिखती है। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि मेरी भी थोड़ी बहुत लाइफ है यार, मेरी भी थोड़ी बहुत ज़िंदगी है ना। और जो कमेंट करने वाले हैं उनको एक चीज़ ये कहना चाहूँगी, बहुत सारी लड़कियाँ अपने मायके जाती हैं, मायके जाके फिर अपने घर वालों के साथ घूमने भी जाती होंगी, मेरी मम्मी भी है या मेरे घर में और भी औरतें हैं, मायके जाती हैं अपने भाई बहनों के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने माँ बाप के साथ घूमने जाती हैं। तो मैं मायके से अगर अपने घर वालों के साथ घूमने आ गई तो मोस्टली वीकेंड्स में यही होता है कि बहनें आती हैं सारी इकट्ठी होती है, पाँच छः बहनें होती, तुम भी सारे इकट्ठे हो जाते, छोड़ो आप रहने दो। तो मैं बस यही बोलना चाहूँगी, बहुत सारी लड़कियाँ, मेरी मम्मी है, मेरी मासी है, मेरी मासी भी आती है मायके अपने, तो जाती है मायके से अपनी फ्रेंड से मिलने घूमने फिरने। तो मेरा भी ऐसी मायके आई हूँ तो मायके से अपने मायके हूँ, आप लोग कहेंगे ये मायके ही पड़ी रहती है, तो यार ठीक है मेरी मर्जी यार, जो मुझे ठीक लगता है वो करती हूँ। और थोड़ा सा मेरी भी लाइफ है यार, मुझे समझ नहीं आता कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझे ठीक लगती है मैं वो करती हूँ और वो ठीक होती भी हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैं वो भी करती हूँ जो मेरे लिए ठीक नहीं होती मैं करती हूँ। तो बस पता नहीं क्या मैं बोलना चाह रही हूँ, पर बस यही कहना चाहूँगी कि इतना बड़ा कोई किसी चीज़ का इशू मत बनाया करो, जो भी फेक आईडी से लोग बनाते हैं या फिर रियल आईडी से भी बनाते हैं, बहुत सारे अच्छे भी हैं यार, वैसे अब तो 95% अच्छे ही हैं मेरे यूट्यूब और इंस्टा पर। तो मैं ये कहना चाहूँगी, मुझे मेरा अच्छा बुरा पता है और मेरे को किसके साथ कितना अच्छा करना है मुझे ये भी पता है, तो आप लोग इतनी टेंशन ना लिया करो जो 5% लोग हैं, बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। एक बात कहनी थी, कई बार ये भी होता है कि कुछ चीज़ें हमें मजबूरी में करनी पड़ती है, जैसे कि प्रोफेशनल ऐसा है कि ये काम चाहकर भी अपनी बेसिक नीडों के लिए करना पड़ता है, क्योंकि हमारी बेसिक छोड़ो आप। सो चलो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू, व्लॉग इन्जॉय करो यार, इतनी टेंशन क्यों लेते हो, मैं नहीं ले रही अपनी लाइफ की इतनी टेंशन, दिखा दिया मतलब अपनी लाइफ की इतनी टेंशन मैं नहीं ले रही जितनी ये मेरे दिखा दिया बैक कैमरे से, जितना मेरे 5% जो लोग हैं वो लेते हैं। तो छोड़ो इन सब चीज़ों को, मौज लो, मौज लेन दो, बाय बाय, लव यू।